हाय, दिस इज ज़ैन इमाम एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। ये सच्चाई नहीं है, ये रूमर्स थे और ये मैंने क्लियर भी कर दिया था कि ये रूमर्स हैं, ऐसा कुछ सच्चाई नहीं थी। मैं नहीं जा रहा भाई बिग बॉस में, वाइल्ड कार्ड एंट्री तो मुझे बिग बॉस से दूर रखो भाई। हाँ, जय मेरे फेवरेट हैं बिकॉज जय मेरे दोस्त हैं, इसलिए मेरे फेवरेट। बट आई थिंक उन्होंने जो भी गेम खेला वो अच्छा गेम था। आई थिंक अपनी इमेज और अपना पर्सनैलिटी को बरकरार रखा, वही बहुत ज़रूरी है कि आप फेक नहीं करते, जो है वो है। तो वो आई थिंक सेफ खेल रहे थे, अच्छा खेल। यार बिग बॉस में सब गेम खेल रहे होते हैं तो मैं भरोसा नहीं करता बिग बॉस के अंदर का गेम सच है, जो रिश्ते हैं सच्चे हैं या झूठे। गाना बहुत अच्छा था बिकॉज जिस तरह का गाना मैं सुनता हूँ वैसे ही गाना था, बड़ा ही सूफी थीम था गाने का और डिफरेंट गाना था बिकॉज इस तरह के गाने बहुत कम बनते हैं। और जब ये इस तरह के गाने आते हैं, गाने का जो वो है वो बिस्मिल्लाह है, जिसका नाम, जिसका मतलब होता है करता हूँ, शुरू करता हूँ खुदा के नाम से। तो आई थिंक बहुत ही सूदिंग गाना है, बहुत डिफरेंट वाइब है गाने की और सुरभि है इसमें एंड सुरभि को सपोर्ट करने आए हुए यहाँ पे। सुरभि का पहला पंजाबी सॉन्ग है, सो शी इज़ ऑल्सो लुकिंग ग्रेट, ब्रिलियंट। गाना मैं मोस्टली डिपेंड करता है मेरे मूड पे कि मैं कभी रोमांटिक गाना सुन रहा होता हूँ, कभी सॉफ्ट सूदिंग सा सुन रहा होता हूँ, कभी थोड़ा यू नो तड़कीला भड़कीला। डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है उस टाइम पे। बेस्ट नहीं होते देखा जाए तो, बट कुछ कुछ गाने ऐसे हैं जो काफ़ी तोड़ के लेके आए हैं बट अच्छे निकल के आए हैं वो गाने। बट आई थिंक जो पुराने ज़माने के जो गाने थे उनका अलग चार्म था, और अभी जो आ रहे हैं वो तो सिर्फ रीमिक्स आ रहे हैं क्योंकि म्यूज़िक और थोड़ा बहुत लिरिक्स सेम रहते हैं, म्यूज़िक चेंज कर देते हैं। सो डिपेंड्स कौन किस तरह का गाना सुनता है।